बोलूंगा, फर्स्ट पॉइंट आप अपने सीएस फंडामेंटल्स और एप्टीट्यूड ब्रशअप कर लो, सेकंड पॉइंट आप अपना लो लेवल डिजाइनिंग थोड़ा यूट्यूब से या कहीं से भी जहां से भी आपको रिसोर्सेज मिलती है, मैं पर्सनली प्रेफर करूंगा आप यूट्यूब में। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हमारे साथ है आदित्यांश शर्मा। सो ही हैज रिसेंटली क्रैक पेयू एंड इन दिस वीडियो वी विल बी टेलिंग द सिलेक्शन प्रोसेस एज वेल एज हिज इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऑफ पेयू। सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल एंड एंड इन केस यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ आदित्यांश। हेलो पंकज, हेलो पंकज, हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदित्यांश शर्मा एंड आई एम करेंटली परसुइंग माय बीटेक डिग्री फ्रॉम वीआईटी वेल्लोर। आई एम करेंटली इन माय फोर्थ ईयर एंड आई हैव क्रैक्ड एन ऑन कैंपस प्लेसमेंट ऑफ पेयू व्हिच बेसिकली इज अ पेमेंट गेटवे सर्विस कंपनी एंड टुडे आई विल बी शेयरिंग विद यू गाइस माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो अब सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। तो क्या सिलेक्शन प्रोसेस था, कैन यू गिव ओवरव्यू? जो तो सिलेक्शन प्रोसेस ऐसा था कि सिलेक्शन प्रोसेस बेसिकली फर्स्ट था अपना ऑनलाइन असेसमेंट राउंड, उसमें उसका पैटर्न था एमसीक्यूज एंड कोडिंग क्वेश्चंस एंड देन आफ्टर दैट ऑनलाइन असेसमेंट राउंड, उसके बाद हमारे थे तीन इंटरव्यू थे, दो उसमें से टेक्निकल थे, एक उसमें एचआर एंड मैनेजरल मिक्स इंटरव्यू था। सो ये बेसिकली पूरा ओवरव्यू था उसका। तो अब डिटेल में बात करते हैं, सबसे पहले ऑनलाइन राउंड्स के बारे में। तो क्या ऑनलाइन राउंड्स, कितने ऑनलाइन राउंड्स थे और क्या किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे थे, क्या कैन यू टेल इन डिटेल? सो देखो, फर्स्ट ऑनलाइन राउंड था अराउंड 2.5 आवर्स का और उस ऑनलाइन राउंड में 60 थे एमसीक्यू क्वेश्चन एंड वो 60 एमसीक्यू क्वेश्चन थे, मिक्सअप ऑफ एप्टीट्यूड एंड सीएस फंडामेंटल। सो एप्टीट्यूड में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आपके लाइक मैथमेटिकल क्वेश्चन जो होते हैं आपके नॉर्मल एप्टीट्यूड के क्वांट्स वाले एंड देन आपके नॉर्मल जो थोड़े बहुत लॉजिकल रीजनिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो भी इन्वॉल्व है एंड देन सम वाज द अदर पार्ट वाज ऑफ सीएस फंडामेंटल। और सीएस फंडामेंटल्स में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स आ जाता है, कंप्यूटर नेटवर्क्स के थ्योरेटिकल क्वेश्चन, देन ओएस के थ्योरेटिकल क्वेश्चन थोड़े बहुत एंड देन ऊप्स के थोड़े बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन एंड ऊप्स के कोडिंग क्वेश्चन भी होते हैं कि जिसमें कोड लिखा होता है और आपको आउटपुट बताना है एमसीक्यू में, वो भी होते हैं। सो ये कंसिस्टेड थे, पूरे 60 हमारे एमसीक्यूज थे अराउंड। सो ये दोनों मिक्स थे, हाफ ऑफ नॉट हाफ ऑफ लाइक समवट मिक्स थे दोनों। तो ये 60 क्वेश्चंस थे। उसके बाद एज सच नो सेक्शन वाइज कोई टाइम लिमिट नहीं थी कि आपको 60 क्वेश्चन इतने टाइम लिमिट में करने हैं, पूरा पूरे कोडिंग और एमसीक्यू टोटल मिला के हमको 2.5 आवर मिला था। सो ये हमने एमसीक्यू खत्म कर दिया। उसके बाद हमारे थे नेक्स्ट दो कोडिंग क्वेश्चन थे। तो कोडिंग क्वेश्चन में मेरे को याद आ रहा है जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था हमारा सॉर्टिंग और ग्रीडी एल्गोरिथम बेस्ड, ये दो टॉपिक होते हैं हमारे, इन दोनों के बेस वो क्वेश्चन था, मीडियम लेवल बोलूंगा मैं इस क्वेश्चन को। एंड देन द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज ऑफ एरे इम्प्लीमेंटेशन टाइप क्वेश्चन, इट वाज आल्सो मीडियम लेवल क्वेश्चन, देयर वाज सम ट्रिक इन इट बट या दैट वाज ऑल अबाउट द ऑनलाइन असेसमेंट राउंड। ओके, सो ये तो था ऑनलाइन राउंड के बारे में। नाउ कैन यू टेल अबाउट द इंटरव्यू राउंड्स, सो इन डिटेल, सो हाउ मेनी इंटरव्यू राउंड्स वेयर देयर एंड व्हाट वेयर द ड्यूरेशन एंड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस वेयर आस्क्ड? श्योर। सो ऑनलाइन असेसमेंट राउंड के बाद हमको लाइक कॉल आती है कि आपको इंटरव्यू शेड्यूल कर दिया गया। तो उसके लिए इंटरव्यू में फर्स्ट हमारे एक ही दिन में तीन इंटरव्यू राउंड हुए थे। सो सबसे पहला इंटरव्यू राउंड हमारा था टेक्निकल इंटरव्यू 1 के नाम से था, उस राउंड में वो फर्स्ट इंटरव्यू राउंड था। तो उसमें हमारी स्टार्ट हुई थी कि नॉर्मल इंट्रोडक्शन दो आप क्या था, तो राउंड वन था जो वो 1 आवर का था। तो उस 1 आवर में पहले 10 मिनट थे हमारे इंट्रोडक्शन के थे, नॉर्मल इंट्रोडक्शन और जो आपका रेज्यूमे था उस पर थोड़ी सी बातचीत हुई थी कि आपने क्या CGPA एंड ऑल दैट, आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह पे बातचीत हुई। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट 15 मिनट्स पे उन्होंने मेरे से एप्टीट्यूड क्वेश्चन पूछे थे, थोड़े बहुत नॉर्मल एप्टीट्यूड क्वेश्चन थे, कोई उसमें ज्यादा टफ नहीं थे। फिर एप्टीट्यूड क्वेश्चंस के बाद उसमें अनदर 15 मिनट्स का हमारा सीएस फंडामेंटल्स पे बातचीत हुई थी, जिसमें एसक्यूएल के थोड़े बहुत बेसिक क्वेरीज के क्वेश्चन थे एंड देन डीबीएमएस के क्वेश्चन थे। डीबीएमएस के क्वेश्चन भी थ्योरेटिकल थे, फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो एसेट प्रॉपर्टी जैसे टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमें पूरी थ्योरी एक्सप्लेन करनी होती है और इंडेक्सिंग एंड ऑल दैट, दीस टाइप ऑफ क्वेश्चन वर फ्रॉम डीबीएमएस टॉपिक। एंड उसके बाद मेरे से थोड़ा सा डीएसए टाइप क्वेश्चन पूछे थे, जिसमें से मेरे को याद आ रहा है फर्स्ट वर्ज मर्स शॉट पूछी थी पूरी, उसको इन डेप्थ लिख के दिखाना था, पूरा टाइप करके दिखाना था एंड देन उसका पूरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस देना था एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस देना था, ये सब बातचीत हुई थी इस पे। एंड देन द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज ऑफ बाइनरी सर्च ट्री, बाइनरी सर्च ट्री पे बेसिस पे कोई क्वेश्चन था, मेरे को ऐसे एग्जैक्ट नहीं याद अभी। ओके, तो ये था ऑनलाइन टेक्निक, ये था हमारा राउंड, ये राउंड वन हो गया।
तो राउंड वन ये हमारा ऑलमोस्ट 1 आवर तक चला था। तो राउंड वन खत्म होने के बाद उन्होंने उसके अराउंड 1-2 आवर के बाद या 3 आवर के बाद हमको राउंड टू की लिस्ट दे दी थी कि 20 बच्चे अब राउंड टू में जा रहे हैं। तो राउंड टू बेसिकली राउंड टू स्टार्ट हुआ था, राउंड टू था 45 मिनट के राउंड का। तो राउंड टू में भी पहले इंट्रोडक्शन था नॉर्मल और आपका जो रेज्यूमे था उसमें जो प्रोजेक्ट उस पर थोड़ी बातचीत हुई थी। तो ये अराउंड आपका टाइम लेता है 20 मिनट में ये सब हुआ था कि आपकी रेज्यूमे पे बातचीत, आपकी इंट्रोडक्शन एंड ऑल दैट। और उसके बाद हमारा स्टार्ट हुआ था एक लो लेवल में से डिजाइनिंग क्वेश्चन पूछा था जिसमें उन्होंने बोला था कि दिल्ली मेट्रो की ऐप डिजाइन करनी है आपको। सो उसपे थोड़ी बहुत मतलब उसपे अच्छा खासा डिस्कशन हुआ था अराउंड 20 मिनट का, तो उस पर भी डिस्कशन हुआ था। फिर उसके बाद लास्ट में से उन्होंने एक और डीएसए क्वेश्चन पूछा था जो था कि 2 सॉर्टेड लिंक लिस्ट है उनको मर्ज करना है, जो कि बहुत ही ज्यादा टेक्स्ट बुक बेस्ड क्वेश्चन है, आपको मिल जाएगा कहीं पे भी नेट पे आप देख सकते हो। तो ये राउंड टू हो गया। अब जैसे तो राउंड टू के बाद उन्होंने फिर थोड़ा देर वेट हुआ था हमारा, 3-4 आवर्स का गैप था उसमें, राउंड टू की लिस्ट उसके बाद आई थी। उसमें फिर वो उसके बाद था एचआर राउंड में बोलूंगा ज्यादा कोई टफ नहीं था। एचआर राउंड बेसिकली 15-20 मिनट का राउंड था, उसमें नॉर्मल बातचीत हुई थी कि लाइक मैनेजर टाइप क्वेश्चन थे, बिहेवियर टाइप क्वेश्चन थे, आपका बिहेवियर चेक करना चाहते हैं, आपका डिसिप्लिन हो या नहीं, ये सब बातचीत हुई थी उसमें। और अदर देन दैट बाकी लोकेशन वगैरह पे बात हुई थी कि ये बैंगलोर में शिफ्ट हो सकते हो, ये दैट एंड ऑल दैट। After that, the round was completed and after that, we were given the result of the selection process and I was gladly selected. So, congratulations once again, Adityans. Thank you. And now, can you give some tips and a strategy for someone who is going to give interview of PayU, so how they can crack PayU? So like my tips and strategy would be कि अगर आप starting से देखो तो coding round में भी आपको aptitude और CS fundamentals पूछे जा रहे हैं और वो भी 60 MCQs हैं, कोई कम MCQ नहीं है। तो मैं कहूँगा आप एक बार ये दोनों चीज़ें अपनी brush up करके जरूर जाइए अपने CS fundamentals, क्योंकि काफ़ी लोग इनको neglect कर देते हैं तो इस basis पे। and other than DSA तो आपको करनी है, वो तो like वो तो mandatory है। एंड उसके बाद आप देख सकते हो इंटरव्यू राउंड में भी हमसे, फर्स्ट राउंड में मैंने आपको बताया था कि एप्टीट्यूड और वो पूछा था सीएस फंडामेंटल्स के क्वेश्चन, तो अगेन आपके वो ब्रशअप वो करने ही पड़ेंगे। देन जैसे आप सेकंड राउंड भी देखो तो सेकंड राउंड में एक लो लेवल डिजाइनिंग क्वेश्चन भी पूछा था, तो आप लो लेवल डिजाइनिंग के बारे में भी यूट्यूब पे थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो उसके बारे में भी। और अदर देन दैट कि फिर तो वापस से डीएसए, तो डीएसए के वो क्वेश्चन करने हैं। तो अगर हम पॉइंट्स में बोले तो मैं बोलूंगा फर्स्ट पॉइंट आप अपने सीएस फंडामेंटल्स और एप्टीट्यूड ब्रशअप कर लो, सेकंड पॉइंट आप अपना लो लेवल डिजाइनिंग थोड़ा यूट्यूब से या कहीं से भी जहां से भी आपको रिसोर्सेज मिलती है, मैं पर्सनली प्रेफर करूंगा आप यूट्यूब में गौरव सेन नाम का एक चैनल है उनको देख सकते हो, वो पढ़ाते हैं थोड़ा बहुत, तो आप वो देख लो। और अदर देन दैट डीएसए के लिए आप स्ट्राइवर की शीट देख लीजिए, स्ट्राइवर सर की या फिर किसी भी और यूट्यूबर लव बब्बर सर की, इनकी आप देख सकते हो, ये लोगों ने काफी अच्छी शीट बना रखी है। तो यही है। सो थैंक यू अदित्यांश चैनल पे आने के लिए और अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। आई होप दिस विल बी हेल्पफुल टू व्यूअर्स। सो थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू पंकज। सॉरी। थैंक यू।